ऑलराइट, हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमॉन अनबाउंडेड 2। जहाँ पे कहते पिछली बार हम लोगों ने जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की थी, इन सब में जो हो था वो मेन हाईलाइट ये थी, हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं हमारी टीम में। एज यूजुअल आप लोग देख सकते हो कि हमारी टीम में जो है वो टोटल 4 ही पोकेमॉन्स हैं, बट द मेन थिंग वॉज हमारा जो मैग्मा है वो टीम में है, एंड दी हमारा कल जो है वो यहाँ पर डेवॉट भी जो है वो यहाँ पर सैमोरॉट में इवॉल्व हो चुका था। सो कह सकते हो कि गाइज यार काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारी टीम जो है वो कह सकते हो कि अच्छी खासी लेवलिंग अप हो रही है। तो उस वजह से देखा जाए तो मुझे जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात ये लग रही है, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन अपग्रेडिंग माई टीम। यस, मुझे जो है वो यहाँ पर खुशी हो रही है कि मुझे ज़्यादा टाइम ज़्यादा कह सकते हो कि ज़्यादा टाइम मुझे लग नहीं रहा है मुझे टीम को अपग्रेड करने के लिए। सो दैट्स द रीज़न कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम लोग जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा समय दे पा रहे हैं, अच्छा खासा ग्राइंड कर रहे हैं हमारी ये टीम को। अभी भी जो है वो यहाँ पर इस टीम में 2 पोकेमॉन ऐड होने बाकी है, 5th पोकेमॉन विल बी द इलेक्ट्रिक वन एंड द 6th पोकेमॉन जो है वो कह सकते हो कि ग्रास टाइप या डार्क एंड कह सकते हो कि साइकिक टाइप को मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँगा। एक इलेक्ट्रिक टाइप या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक टाइप तो कंफर्म है, वो कौन होगा फिलहाल के लिए तो मैं भी स्टिल कंफ्यूज हूँ ये हम लोगों को किसको ऐड करना चाहिए 5th पोकेमॉन के लिस्ट में। तो देखते हैं गाइस यार, अभी भी फिलहाल के लिए अनकन्फर्म है वो पोकेमॉन, बट जैसे ही यह ऐड हो जाएगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। एंड अगर डिसाइड करूँ, अगर आप में से किसी के पास सजेशंस हो वो पोकेमॉन से रिलेटेड, सो यू कैन जस्ट कोट मी इन द कमेंट्स। एंड हाँ, कह सकते हो कि आज के एपिसोड में जो है वो मैंने पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू के एपिसोड में कहा था कि मैं जो हूँ पंटिविटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सो अबाउट द पंटिविटी, जो कह सकते हो कि मेरा जो इनिशिएटिव था वो फिलहाल के लिए मैंने लेकर आ चुका था, कह सकते हो कि पोकेमॉन अल्ट्रा मून में आई गेस। फिर उसके बाद जो है पोकेमॉन अल्ट्रा मून की वीडियो भी रेगुलरली बेसिस पर नहीं आ पाई, सो वी हैव टू स्टॉप दैट। बट जब पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू आया था तब तक मैंने 2 वीक के लिए ट्राई किया कंटिन्यूटी रखने के लिए, बट स्टिल नॉट कह सकते हो कि वर्क। एंड देन हम लोगों ने पोकेमॉन अनबाउंड के लिए भी 1 वीक रखा था, बट स्टिल नॉट कह सकते हो कि रिस्पॉन्स मुझे ज़रा भी आप लोगों से नहीं आया। सो दैट्स द रीज़न दिस वीक इज गोना बी द लास्ट वीक ऑफ द फंटिविटी। इसके बाद जो है वो फंटिविटी का नाम में सीधा जब हमारे कंसिस्टेंट व्यूज रहेंगे तभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तब तक मैं ज़रा भी फंटिविटी का नाम भी नहीं लेने वाला हूँ आप लोगों के सामने। सो दिस विल बी द अल्टीमेट वीक, इस पर हम लोग डिसीजन लेने वाला है टिल फ्राइडे। यस, टिल फ्राइडे की जब वीडियो आएगी तब मैं यहाँ पर डिसाइड हो चुका रहेगा फंटिविटी आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। फ्राइडे की जो वीडियो आएगी उसके बाद जो है वो जब सैटरडे का अल्ट्रा मून का एपिसोड जब आएगा उस पर मैं आप लोगों से जो है वो यहाँ पर बता दूंगा कि हम लोग फंटिविटी को कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं फॉर दी पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू एंड फॉर दी पोकेमॉन अनबाउंड 2। क्योंकि गाइस यार मैं भी जो हूँ यहाँ पर मेहनत तो कर रहा हूँ इस फंटिविटी को कहने के लिए, कैंपेन भी मैंने अच्छे खासा रखा हुआ है, बट स्टिल आप लोगों ने जो है वो अब तक कोई भी ज्वाइन हुआ नहीं है। अभी भी अगर मैं देखूँ तो हमारे इस कह सकते हो कि कहाँ गया हमारा ध्रुवी गेमर वाला जो चैनल है वो कहाँ पर गया यार, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है बेटा। ध्रुव दी गेमर यस, ये रहा। टोटल 3 सब्सक्राइबर्स हैं फिलहाल के लिए, तो 22 बार जो है वो यहाँ पर 3, तो एक ही लोग जो है वो यहाँ पर ज्वाइन हुआ है। सो दैट्स द रीज़न जो फंटिविटी के बारे में मैं आप लोगों से कह रहा था कि वो जो है वो बंद हो जाएगी अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो इस वीक में। तो इस वीक में टोटल जो है वो यहाँ पर एक ही एपिसोड आएगा इस कह सकते हो कि फंटिविटी के क्वेश्चन के ऊपर, आप लोगों को जो है वो आंसर करना है कमेंट्स में, एंड कह सकते हो कि टेलीग्राम में मैं आप लोगों को विनर अनाउंस कर दूंगा।
जो कैसा है, वो क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर देन देर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू वॉच दी कह सकते हो कि डिटेल्स अबाउट दी फंटीपीटी पोकेमॉन कह सकते हो अल्ट्रा सन का वो एपिसोड था, बट वो कह सकते हो कि एक एपिसोड नहीं था, उस पर हम लोगों ने लेडीज फंटीपीटी के बारे में सारी की सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कशन में रखी थी। सो दैट्स द रीज़न मैं आप लोगों से फिर से यहाँ पर कह सकते हो कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो जाकर वो फंटीपीटी का वीडियो एक बार चेकआउट कर आ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वो हेल्पफुल रहेगी अगर आप लोग वो देख लोगे तो। सो फिलहाल के लिए जो है वो यहाँ से मैं अभी नीचे की तरफ जाने वाला हूँ। तो ये बात रही हमारी फंटीपीटी की। तो एंड हाँ, मैंने पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में जो है वो यहाँ पर बात कर चुका था ऑलरेडी हमारे पोकेमॉन अनबाउंड 2 के बारे में। पोकेमॉन अनबाउंड 2 का जो है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड मंथ नहीं है कोई भी। पोकेमॉन अनबाउंड 2 के लिए जो है वो यहाँ पर मार्च 31st इज द लास्ट ड्यू डेट टू कंप्लीट दिस सीरीज। अगर सीरीज़ नहीं हो गई तो फिर जो है यहाँ पर वो सीरीज़ आएगी सीधा जून जुलाई में ही। तो यस, जून जुलाई में ही उसके आसार नज़र आएंगे अगर वो ये सीरीज जो है वो यहाँ पर अभी नहीं आ पाई तो। सो दैट्स द रीज़न फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पर मैं कोशिश पूरी अपने करने वाला हूँ कि ये सीरीज़ को हम लोग जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश रखें। एंड अगर नहीं हो पाया देन एज़ यूजुअल ये सीरीज जो है वो चली जाएगी सीधा, यस सीधा हम लोग रुकेंगे नहीं, सीधा ये सीरीज चली जाएगी यहाँ पर कह सकते हैं कि सैटरडे संडे के लिए आफ्टर द डार्क राइजिंग 2। यस, जब तक डार्क राइजिंग 2 कंप्लीट नहीं होता तब तक अगर इफ पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू एंड इफ पोकेमॉन अनबाउंड 2 बच गए तो वो सीधा आएंगे यहाँ पर पोकेमॉन डार्क राइजिंग 2 के बाद। दैट्स वाई मैंने कहा था विंडो जो है वो सीधा ओपन होगी पोकेमॉन अनबाउंड 2 के लिए इन जून जुलाई को। एंड वो होगी भी या नहीं मुझे फ़िलहाल के लिए तो अंदाज़ा भी नहीं है, मैं नहीं कह सकता। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये मंथ में जो हूँ यहाँ पर लास्ट मंथ रखने वाला हूँ, यानी कि मार्च मंथ विल बी द लास्ट मंथ फॉर द पोकेमॉन लेट्स गो पोकेमॉन अनबाउंड 2 एंड पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू के लिए एज़ यूजुअल मैंने वो सारी की सारी बातें तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दी हैं। सो उसके लिए तो मुझे और पुरसी जो है एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है आप लोगों को, बट स्टिल अभी आप लोगों को जो है वो आपके ऊपर है कि रिस्पॉन्स कैसे देना है फंटीपीटी में, क्योंकि पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू के लिए तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मिलता ही है मुझे, बट पोकेमॉन अनबाउंड 2 के लिए जो है वो आपका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। सो ये सीरीज़ भी कंटिन्यू करनी है हम लोगों को। अब तक जो है वो कह सकते हो कि काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो मैंने एक्सप्लोर की नहीं है। ये सीरीज़ जो है वो अब तक कह सकते हो कि अपने स्टार्टिंग पर ही है, बट फिलहाल के लिए जो है वो कह सकते हो कि हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करनी बाकी है। तो उस वजह से मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि सीरीज़ को जो है वो पूरा एक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही अगर ज्वाइन हो गए तो फिर जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि परेशानियाँ आएंगी आप लोगों के लिए ही। सो दैट्स द रीज़न मैं आप लोगों से रिकमेंड यही करूँगा, आप लोग जो है वो यहाँ पर सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है ये, हम लोगों ने ऑलरेडी ये गेम खेला हुआ है बट ये अंदाज़ थोड़ा सा अलग है। इस बार अंदाज़ थोड़ा सा अलग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ पर ज़्यादा अंदाज़ आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि क्या होने वाला है आगे। सो दैट्स द रीज़न कि ये सीरीज़ में आप लोगों से पूरी देखने की यहाँ पर उम्मीद रख रहा हूँ एंड फंटीविटी के होने की वजह से भी जो है वो आप लोग ये सीरीज़ को इंजॉय कर पाओगे। सो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी बातें जो है वो डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। सो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ भी डिस्कस करना नहीं है इस सीरीज़ से इस कह सकते हो कि हमारे चैनल से रिलेटेड। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि अभी हाँ कल से जो है वो मैंने कहा था पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू के वीडियो में भी सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि गेम से रिलेटेड ही बातें होंगी और कोई भी स्टफ जो है वो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। टायर्ड हो गया अब मैं भी जो हूँ यहाँ पर टायर्ड हो जाता हूँ एक ही चीज़ बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोग भी बोर हो जाते रहोगे एक चीज़ बार बार सुनने के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि
कल से जो है वो यहाँ पर पोकेमॉन अनबाउंड 2 में भी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर अदर स्टफ नहीं रिपीट होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि गेम से रिलेटेड ही चिट चैट करेंगे और गेम से रिलेटेड ही बातें करेंगे, हाँ वो होगा। बट कभी और कभी बीच में मेरा मन किया मन की बात कहने के लिए तो वो मैं करूँगा, अगर कोई ऐसा कह सकते हो कि ज़्यादा एपिसोड में कुछ करने लायक है नहीं तो करेंगे, एंड अगर रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी तो कहते ही करते ही हैं। फिलहाल के लिए जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि मेरी बातें से जो है वो यहाँ पर डन हो चुकी है, 10 मिनट्स लगे हैं, बट एक अच्छी बात है कि मैं जो मुझे एक्सप्लेन करना था आप लोगों के साथ वो मैं कर चुका हूँ। कंटिन्यूटी के बारे में मैंने एक्सप्लोर किया एक्सप्लेन किया नहीं था और लड़के पी के चुके आज के एपिसोड में, तो उस वजह से जो है मैंने आज आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। सो अभी फिलहाल जो है यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने आगे के सफर में, उस माउंटेन की तरफ जो है वो हम लोग हैं। एंड हाँ, वीडियो जो है वो यहाँ पर कह सकती होगी लास्ट वीक से ही आना चालू होने वाली थी, बट मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी यानी कि अचानक से बिगड़ गई, अभी जो है वो ठीक नहीं है। मैं पानी लेके बैठा हूँ, मैंने जो है वो कल 4 कह सकते हो कि 4 कप सिरप पिया था, आज भी 2 स्पून पिया था, मैं जल्दी सो जाता था 11:30 बजे ही, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना रहता है तो 11 बजे ही यहाँ पर मैं सो जाऊँगा, आज भी सो जाऊँगा क्योंकि कफ सिरप पी जाऊँगा तो फिर सर दर्द करने लग जाता है, तो बिल्कुल भी जो है भनक नहीं रहती क्या चालू है, सो दैट्स द रीज़न जल्दी सो जाऊँगा। एंड वीडियो भी जो है क्योंकि वीडियो के ऊपर काम करना है, अभी भी जो है यहाँ पर अभी दोपहर का वक्त हो रहा है ना, जल्दी कह सकते हो कि जल्दी उठता हूँ, तो उस वजह से जो है वो अभी एक 1 आवर ऑफ पावर नैप लेने वाला हूँ मैं ये एपिसोड को ख़त्म होने के बाद। उसको कह सकते हो कि इन द मीन टाइम हमारा मोबाइल भी जो है वो यहाँ पर जितने भी मेरे डिवाइसेस हैं जो काम में आएंगे ये वीडियो को करने के लिए वो जो है वो हम लोग कह सकते हो कि चार्ज पे लगा देंगे, ये चार्ज पे लगा देंगे और डिवाइसेज जो भी हमारे काम में आने वाले हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि वीडियो जो है वो यहाँ पर आने के पूरे पूरे चांसेस है। जैसे मैं वीडियो में रेगुलर बेसिस पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी आपके ऊपर भी है कि आप लोग भी जो है वो यहाँ पर वीडियो को अच्छा खासा रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि गाइस यार आई नो थोड़ा सा मैंने टाइमिंग जो है वो आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंट है टाइमिंग, सो मैंने जो है वो अभी टाइमिंग जो है वो 12 बजे का ही इसीलिए और कह सकते हो कि रखने की कोशिश, तो मैं यहाँ पर आप लोगों से थोड़े ही दिन में यहाँ पर एक पोल रिजल्ट लूँगा, अगर 2 वीक हम लोग कंसिस्टेंट रहे तो मैं आप लोगों से 3rd वीक में पोल में आप लोगों से पूछूंगा कि हम लोगों को पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू के लिए क्या 12 बजे वीडियो आनी चाहिए या 9 बजे ठीक है, एंड पोकेमॉन के लिए या 3 बजे ठीक है या 9 बजे 6 बजे हम लोगों को वीडियो लाए, क्योंकि 6 घंटे का तो टाइम गैप आप लोगों को तो पता ही है वो मैं रखता ही रखता हूँ, मुझे अगर कोई भी एपिसोड शूट करना हो तो हाँ, अगर 3-4 वीडियो आने वाली हो एक ही दिन में वो टाइम लैप्स जो है यहाँ पर कम हो जाता है, बट अगर हम लोग के पास कह सकते हो कि 2 ही वीडियोज़ हैं डेली के तो फिर जो है यहाँ पर 6 घंटे का मैं मिनिमम टाइम जो है वो यहाँ पर रखता ही रखता हूँ। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो को भी जो है यहाँ पर अभी एंड करने का वक्त आ चुका है, हम लोग अभी ऑलमोस्ट हमारी जो नेक्स्ट सिटी है वहाँ पर अभी जस्ट टच होने ही वाले हैं। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइस यार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, यस गाइस यार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे फॉलो कीजिए, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन, यस आई ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन में है, तो यस आई विल जस्ट सी यू। एंड हाँ, ये गेम के डाउनलोड अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अनलेस एंड अंटिल मुझे लगता नहीं है कि मस्ट है क्योंकि JBA रोम्स है तो आप लोगों को आसानी से डाउनलोड करने की, हाँ डाउनलोडिंग लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आज से लेकर अपनी जो कि जो भी पिछले वीडियोज़ है उन पर भी मैंने डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कर दी है, आज की वीडियो में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब से लेकर हर वीडियो में जो है की डाउनलोडिंग लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी आप लोगों को, एंड JBA वीडियो को तो आप लोगों को पता ही है कैसे डाउनलोड करना है। सो यस आई विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन अनबाउंड 2 कल, होपफुली तब तक के लिए गुड बाय।